are freaking out. सो हेलो एवरीवन, तो फाइनली वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। और अभी हम सिटी मॉल के जस्ट बाहर हैं, आप सिटी मॉल देख सकते हो। तो आज अभी संडे है और अभी रात के करीब करीब 9 बजे हैं और आज मुझे भूख लगी है। पहले तो मेस में गए तो मेस में खाना वगैरह उतना अच्छा था नहीं, तो मेरा आज मन कर रहा अभी बर्गर किंग जाने का। तो अभी रात के करीब करीब 9:15 बजा है, तो अभी हम बर्गर किंग चलेंगे और आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि बर्गर किंग में क्या क्या आइटम्स हैं। कोटा का सिटी मॉल में ही है जो कि रेजोनेंस के जस्ट पास में है, तो चलते हैं बर्गर किंग। और तो गाइस अभी आप देख सकते हैं रेजोनेंस यहीं पे मैं जॉब करता हूँ और ये व्यू रहा रेजोनेंस का और ये सिटी मॉल का व्यू। तो फाइनली हमारा टारगेट बिल्कुल पास में बर्गर किंग दिख रहा है। यहाँ तो 99 से स्टार्ट होता है और अभी आप देख सकते हो संडे है, रात के 9 बजे, फिर भी क्राउड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो आ ही रहा है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और मॉल के अंदर आ चुके हैं और मॉल का व्यू आप देख सकते हैं। रात के अभी 9 बजे हैं और अभी हमें बर्गर किंग चलना है, तो बस थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं बाहर का सिटी मॉल का, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वैसे दिन में आ जाए थे मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो आज तो आए ही नहीं, अब बर्गर किंग रहा, तो अब हम बर्गर किंग के अंदर चलते हैं। भी कैफे लगा हुआ है, तो बर्गर किंग के अंदर तो काफ़ी क्राउड हमेशा ही रहता है, क्योंकि एक नॉमिनल रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है ना, तो बर्गर किंग में क्राउड हमेशा देखने को मिल सकती है। अभी भी आप देख सकते हो कि भीड़ है, मतलब है ना। अब अपना ऑर्डर किया था 400 के आसपास, 350 के आसपास आया है, तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है और अब अभी हम अपने सीट पर जा रहे हैं। वेटिंग फॉर द ऑर्डर की कब आए, यहाँ पे देख लो इस प्रकार का बनता बनता है, ठीक है। सिटी मॉल में ये हमारा आ गया, चिकन तंदूरी था, पेप्सी था और वो भी फ्रेंच फ्राइज भी था। तो बस आ चुका है, अब हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं भाई कि कैसा है, तो एक बार खोल के भी देख लेते हैं कि कैसा है। और फ्रेंच फ्राइज आ गया, कोक स्पेशली फ्रेंच फ्राइज मुझे बहुत पसंद है, तो अब हम रिव्यू ले लिए, कोई गया तो था नहीं, तो मैंने खुद ही कैमरा लगाया आगे से और बस शूट करना लगा। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी हम बर्गर खा लिए, तो बर्गर काफ़ी अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब ठीक था, मतलब जिस रीजनेबली रेट था, और आई थिंक कि 189 के आसपास का आया था, तो बढ़िया था, मतलब यू कैन ट्राई आउट, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। फ्रेंच फ्राइज और भी अच्छा था, फ्रेंच फ्राइज की तो बात अलग है, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज मुझे शुरू से बहुत पसंद है। फिर एक बंदा मिला मुझे, तो कैमरामैन मिला, तो मैंने बोला भाई कैमरामैन जल्दी फोकस करो, और उसके बाद फिर मैंने फिर से बर्गर थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसको भी खा लिया। इसको मैं स्टार्टिंग में ही सोच रहा था, बट बर्गर वॉज टू गुड, मतलब अगर आपको एक रीजनेबली रेट पे खाना है। तो फाइनली अभी हम बर्गर खा चुके हैं और अभी हम बाहर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं सिटी मॉल का व्यू है जो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है अभी सिटी मॉल का व्यू। तो अभी रात के 10 बजे हैं, तो पूरा थोड़ा खाली खाली दिख रहा होगा, तो अभी हम चलते हैं नीचे। तो अभी हम एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं 10 बजे, क्राउड काफ़ी कम है, एप्पल का स्टोर भी। सो गाइस अभी रात के करीब करीब 10:15 बज चुके हैं और मैच तो लग रहा है आज मैं नहीं ही जा पाऊंगा, क्योंकि पेट भर ही गया है। तो अभी हम बर्गर किंग से जस्ट बाहर आए हैं और ये सिटी मॉल का थोड़ा बाहर वाला व्यू है, और अगर इधर पीछे पलटे तो इधर आप देख सकते हो रेजोनेंस आपको दिख रहा है। तो यहीं पे मेरा कोचिंग है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है, मतलब जॉब करते हैं फैकल्टी का। तो अभी रात के 10:15 बज चुके हैं, तो जो बर्गर किंग का एक्सपीरियंस रहा कि 400 के आसपास लगा और अच्छा था, मतलब व्यू वॉज गुड। तो अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग होगा वो माइट भी हो सकता है KFC का फिर शूट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ पता है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल, मिलते हैं किसी